हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको ये जानकारी देना कि कैसे आप फिशर को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी एनल कैनाल में कट लग जाता है। बहुत ही पेनफुल डिजीज है, बहुत ही पेनफुल, मतलब इतनी दर्द होती है कि आदमी कहता है कि उसको टॉयलेट जाने के नाम पर ऐसे लगता है जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। ही विल नॉट कम आउट ऑफ द टॉयलेट लाइफ। तो बहुत ही पेनफुल डिजीज है। पर ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी में कहीं भी कट लग जाए वो अपने आप भर जाता है? तो ये कट क्यों नहीं भरता? ये कट इसलिए नहीं भरता क्योंकि जब एनल कैनाल में कट लगता है, पहली बात उस पार्ट को कभी रेस्ट नहीं मिलता। कहीं भी हमारे जख्म हम पट्टी करते हैं, उसको आराम देते हैं, पर इस पार्ट को कभी आराम नहीं मिलता। नेक्स्ट डे से ही आप हर दिन टॉयलेट जाते हो। जब आप टॉयलेट जाते हो तो ऑफकोर्स वो पार्ट खुलता है और वो जख्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि जख्म के जो किनारे हैं वो सूख जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो जब भी किसी जख्म के किनारे सूख जाएं तो वो जख्म कभी नहीं भरता। तीसरा रीजन होता है कि दर्द की वजह से वो जगह स्पाज़म में चली जाती है, टाइट हो जाती है। टाइट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ जो खून का दौरा है वो कम हो जाता है। और किसी भी जख्म को भरने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ब्लड होता है, कि ब्लड की सप्लाई पूरी हो। जब ब्लड की सप्लाई वीक हो जाती है तो वो जख्म भरता नहीं। तो आप क्या ऐसा करोगे कि वो जख्म ठीक हो जाए? इस बात के लिए हम 18 साल से एफर्ट कर रहे हैं। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं, कुछ 5 कॉन्सेप्ट्स ऐसे डेवलप किए हैं। अगर आप उसको स्ट्रांगली फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आप जो फिशर है उसको घर बैठे ठीक कर सकते हो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। वो क्या है? जैसे एक कॉन्सेप्ट है स्वीट्स कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने ये जानकारी दी है कि आपको कैसे खाना चाहिए, कोई भी चीज़ खानी है वो कैसे खानी चाहिए। इस जानकारी के डिटेल में समझने के लिए इस जानकारी को डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका वीडियो लिंक दिया है। आप उसको क्लिक करोगे आपको पूरी वीडियो से सारी बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा गिफ्ट्स, यानी अब आपको ये प्रॉब्लम होगी। अब पहला क्वेश्चन कि आपको क्या खाना चाहिए, राइट? तो उसके भी पूरी डिटेल नीचे वीडियो में दी गई है। क्या खाना है, कैसे खाना है, ये दोनों बात आप समझ जाएंगे इससे। तीसरी बात होती है कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं खानी है। तो जो जो चीज़ हमें नहीं खानी है उसके लिए हमने थर्ड कॉन्सेप्ट डेवलप किया, शार्प। ये वो कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। तो इसके लिए हमने इसको बड़ी डिटेल में, इसमें आपको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। आप उसको स्ट्रांगली फॉलो करिए और फॉर श्योर आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ योगिक एक्सरसाइजेस जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। उसके लिए राणा हॉस्पिटल ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया मैप्स। ये वो योगा की एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप जब करते हो तो उस एरिया के मसल स्ट्रांग होते हैं, वहां ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और वो जख्म भरना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फिशर है तो आपकी टॉयलेट की हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, मतलब टॉयलेट में आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए जिससे आप उस जख्म को ठीक कर सको। इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है नेस। इस कॉन्सेप्ट में ये डिटेल में बताया गया है कि टॉयलेट में आपको जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, मोबाइल, लाइक दैट, सारी चीज़ें जो टॉयलेट में नहीं करनी चाहिए या स्टूल कैसे पास करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है। इन पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट्स के इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिए गए हैं, आप उसको क्लिक करके इसको डिटेल में देखिए। आई स्ट्रांगली बिलीव अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप फिशर को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। वेरी रेयर केस में आपको प्रोसीजर कराना पड़ेगा एंड दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, लेटरल एनहांसमेंट रॉटमी, दैट इज वेरी सिंपल। बट वो उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 5% केसेस में रहेगी। 95% केसेस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ बिल्कुल ठीक हो सकते। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में भी जो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनती हैं उसके आपको लिंक्स आ सकें और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।